चलो लेट्स स्टार्ट। अर्शिया, अभी हमें आज के लेक्चर में स्टार्ट कैसे करना है कि हमें 18 डिग्री की वैल्यू ढूंढनी है। लेट्स से हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू ढूंढनी क्या होगी। ठीक, तो 18 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे। ठीक, हमें साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, ये हमारा मोटिव है सबसे पहले आज के लेक्चर में। इन दोनों की वैल्यू ढूंढना, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए देखो। अच्छा, मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने 5x is equal to 90 डिग्री बोला तो इसके अंदर सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आएगी? सर एक्स की वैल्यू 18 आएगी। हाँ जी, 18 डिग्री, राइट? एटीन तो बेसिकली x ओवर हियर इन दिस इक्वेशन x रिप्रेजेंट्स 18 डिग्री। क्लियर है? यस सर। प्लीज बाकी ध्यान से सुनते रहना, किसी को कहीं पर भी कोई भी छोटा सा भी डाउट आएगा तो प्लीज मेरे को बताना। ठीक, अच्छा अब देखो जरा आगे कि अगर मैंने इसको लिखा 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 2x को लिखा मैंने 90 माइनस 3x, चलेगा? यस सर। अब यहां पर भी जो x की है वो 18 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos ले लिया, तो cos 2x जो होगा वो कॉस 90 माइनस 3x के बराबर रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब मेरे को ये बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे? तो तो साइन 3x। ये साइन 3x आ गया, परफेक्ट, राइट? और कॉस 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थी साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। एक्स ठीक, अच्छा बाय द वे यहाँ पे x के रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 डिग्री। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझे ना? अच्छा अब साइन का फॉर्मूला, सो साइन का फॉर्मूला नहीं, हाँ साइन 3x का, साइन 3x का, जी 4 sin³ x नो माइनस नो फोर नो नो साइन नो 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 नो, मतलब हाँ जी वो फोर नहीं, वो 3 से स्टार्ट होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले 3 आता है फिर 4 आता है, तो 3 sin x माइनस 4 sin, प्लस 4 sin³ x प्लस 3 sin x बोल देती हूँ ताकि मेरे को ओके ओके कंफ्यूजन ना हो। ओके ओके ओके, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन 18 डिग्री, हाँ जाना? क्यों? क्योंकि आर एक्स इज 18 डिग्री, राइट? यस सर। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी ले लिया, राइट? तो मेरा क्या बन गया, ओके -2t² इज इक्वल टू 3t - 4t³, आ जाना? यस सर। और यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट साइन 18 डिग्री, हाँ जाना? यस सर। हाँ जी, प्लीज यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। इश्विन, आपको क्लियर है? आप लेट आए हो। थोड़ा स्क्रॉल अप कर मैंने क्या किया, 5x को 90 डिग्री लेके गया, तो x की वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगी इसके अंदर, अगर 5x मेरा 90 डिग्री है, राइट? यस सर। x 18 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैंने 5x को 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 कर दिया, 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो मेरा 2x इक्वल टू 90 माइनस 3x हो गया। नाउ इफ 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 3x तो इनका cos की वैल्यू भी बराबर आएगी, सो cos ऑफ 2x वुड बी इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस 3x, नाउ cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin 3x। ठीक, तो यहां पे sin 3x का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin³x, राइट? तो इधर cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया 1 - 2 sin²x, यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 18 डिग्री, और sin x रिप्रेजेंट कर रहा है sin 18 डिग्री, बात समझे? sin x को मैंने t पुट कर दिया तो ये बन गया आपका 1 - 2t² इज इक्वल टू 3t - 4t³, क्लियर है? तो यहाँ पे t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका sin 18 डिग्री, बात समझे? राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो अर्शिया वापस यस सर। आ जाओ, अब देखो जरा ये -4t³ को इधर लेके गया, तो 4t³ -2t² ये वाला -2t² ये 4t³ इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और -3t एंड +1 इक्वल टू 0, तो इस चीज यस सर। अंदर t का रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 18 डिग्री, हाँ जाना? यस सर। ठीक, अच्छा अब बाकी सारे प्लीज ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये क्यूबिक जा रही है बाय द वे, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरे को वैल्यू मिलेगी टी की, वो टी की वैल्यू क्या होगी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी, हाँ जाना? यस सर। पक्का? बाकी सबको क्लियर हुआ? इस इक्वेशन को सोल्व करके जो मेरे को टी की वैल्यू मिलेगी वो टी की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन 18 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ जी? बाकी सब कंफर्म करो, क्लियर है हुआ सर ये चीज?
जी में डाउट है, हमने हाँ जी हाँ ठीक जी, लिखा साइन 18 को? ताकि सिंपलीफाई हो जाए, मैं लिख सकता हूँ उसको साइन एक्स या साइन 18 डिग्री भी लिख सकता, लेकिन अगर साइन 18 डिग्री लिखूंगा उसकी जगह टी लिख दूंगा तो ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है, टी वेरिएबल में एक इक्वेशन बना ली। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर से जो इसको सोल्व करके जो टी की वैल्यू आएगी वो मेरी साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब अच्छा अर्शिया, आपको याद होगा कि 9th या 10th क्लास में हम जो क्यूबिक को सॉल्व करते थे तो पहला रूट उसका हिट एंड ट्रायल से निकालते थे। यस सर। उसका हिट एंड ट्रायल से करते थे, फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से क्वाड्रेटिक ढूंढते थे, फिर क्वाड्रेटिक का सेपरेटिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फार्मूला वगैरह लगा के हम उसका रूट्स ढूंढते थे, जीरोस ढूंढते थे। ठीक है। यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखो क्या काम करेंगे हम। ठीक, क्या काम करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से ये वाली हमने इक्वेशन उठाई और टी को वन पुट किया। टी को वन पुट करके क्या जा रहा है, फोर माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन, ये जीरो जा रहा है। हाँ जी जीरो जा रहा है। तो बेसिकली टी इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस टी माइनस वन फैक्टर होगा। हाँ जी। तो हमने लॉन्ग डिविजन कर ली, बाकी सबको क्लियर हुआ, ये याद आ रहा है कंसेप्ट आपको? लावण्या क्लियर है, इश्विन शुभी क्लियर हुआ आपको, शौर्य यस सर, साहेब राजवीर प्रिंस प्रणव यस सर, नमन यस सर, अनीश क्लियर हो रहा है भाई सर? एक बार लास्ट स्टेप बता दो। लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, टी को वन पुट करके देखा इसके अंदर क्या जा रहा है, तो टी को वन पुट करके देखा ये चीज की वैल्यू जा रही है जीरो। ओके सर। तो टी माइनस वन इसका फैक्टर होगा, ये फैक्टर थ्योरम थी हमारी। यस सर। ठीक है, तो अब मैं टी माइनस वन से इसको लॉन्ग डिविजन कर रहा हूँ, इसको क्या जाएगा, फोर टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस वन टी माइनस वन, तो ये आ गया फोर टी स्क्वायर, तो ये आ गया फोर टी क्यूब माइनस फोर टी स्क्वायर, ये कटा तो ये आ गया टू माइनस थ्री टी प्लस वन। ठीक, तो दिस इज टू टी, तो टू टी स्क्वायर माइनस टू टी, तो ये कितना आ गया हमारा, दैट इज ये कट गया और ये आ गया हमारा माइनस टी प्लस वन, तो ये माइनस वन से मल्टीप्लाई करके माइनस टी प्लस वन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि दिस टोटल इक्वेशन कैन बी रिटन एज टी माइनस वन इन टू फोर टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस चीज के अंदर किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ। नो सर। सबको क्लियर है, अनीश क्लियर हुआ भाई? यस सर। पक्का सबको? लवण्या क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। अर्शिया एशिका क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो जरा यहां से मेरे को क्या मिला, या तो टी की वैल्यू होगी वन, देखो क्या चीज हो रही है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, हाँ है ना, यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट जो है ये जीरो है। दो चीजों का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, राइट? अब मेरे को ये चीज बताओ अर्शिया, ए इनटू बी जीरो कब? जब सर वन ऑफ देम इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। यस सर। ये कम से कम एक जीरो होना चाहिए या दोनों के दोनों जीरो हो जाए, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, बात समझे? यस सर। यस सर। यहां पर भी यही आएगा, आइदर टी माइनस वन इज जीरो, इसको छोड़ दो, आइदर टी माइनस वन इज जीरो और 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अच्छा तो यहां से मिला आइदर t इज इक्वल टू 1 और यहां से t की वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहां पे मैं सेपरेटिंग द मिडिल टर्म कर नहीं सकता, ठीक, तो मेरे को फार्मूला लग, तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला याद करो क्या होता है सर, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। हां जी हां जी, राइट। तो बताओ फिर टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस बी माइनस टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी फोर 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 सा सिक्सटीन और ये माइनस वन भी आएगा सी। हाँ जी। इनटू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ए, तो टू ए यानी कि टू इनटू फोर। हाँ जी। एट की वैल्यू क्या आई, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखो ये माइनस इनटू अंडर रूट ट्वेंटी, बिल्कुल अंडर रूट 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। अच्छा 20 को मैं 2 रूट 5 लिख सकता हूँ? हाँ जी। प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8, ये 2 ये 2 ये 4 कटा, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4,
या फिर माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय फोर। हाँ जना? यस सर। अच्छा प्लीज यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। स्टार्टिंग से देख लो दोबारा। स्टार्टिंग से हमने क्या किया, 5x को 90 डिग्री लेके गए, 5x को लिखा 2x plus 3x equal to 90 degree and 2x की value 90 minus 3x आ गई। फिर हमने cos 2x की value लिखा cos 90 minus 3x, then cos 2x का formula लगा दिया, left hand side में हमारा आ गया 1 minus 2 sin square x और इधर आ गया हमारा ये sin 3x, फिर sin 3x का formula लगाया, right? And इसका 1 minus 2 sin square x as it is, फिर हमने sin 18 degree यानी कि sin x को हमने t ले लिया, तो हमारी t में ये cubic बन गए और इसके solve करके जो t की value आएगी वो हमारी sin 18 degree की value होगी। और t की वैल्यू क्या क्या आ रही है अभी तक सॉल्व करके आई, t की वैल्यू 1 या फिर t की वैल्यू क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके आई हमारी या तो माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय फोर या माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय फोर। बात समझे? अभी तक इन तीन वैल्यूज आई हमारी, अब इन तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू हमें चूज करनी है जो की होगी। पहली बात तो ये, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर सर हाँ जी हाँ जी सर, आज के नोट्स भेज देना, व्हाट्सएप भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, रोज भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। किसी को कोई और डाउट अभी तक प्लीज बताओ। नो सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू सोल्व करके अभी तक क्या क्या आई है, साइन 18 डिग्री या तो होगा 1 और माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 4 तो होगा माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 4। अच्छा अर्शिया। यस सर। अच्छा मेरे को ये बताओ कि साइन 18 डिग्री 1 हो सकता है क्या? नो सर, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री 1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 1 हो नहीं सकता, राइट? सर चीज को चेक करो, ये चीज तो माइनस कॉमन आ गया तो ये 1 प्लस रूट 5 बाय 4 चली गई। हाँ जना? यस सर। दिस इज ओवरऑल नेगेटिव। हाँ जना? हाँ जी। लेकिन साइन 18 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यानी कि ये नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता, तो वैल्यू बची है, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई, रूट 5 माइनस 1 बाय 4। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। हाँ जी प्लीज, बाकी सब में से किसी को कोई भी डाउट है साइन 18 डिग्री में प्लीज बताओ। शुभ भी क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके साहेब, प्रिंस, प्रणव, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। अर्पित भाई क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक। लवण्या, इश्विन, क्रेश क्लियर है? नमन। यस सर। ठीक। अर्शिया, इशिका, अनीश। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से साइन 18 डिग्री के हमने वैल्यू निकाली। ठीक, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्या कहते हैं अपना, लेट से नाउ आई लास्ट फ्रॉम शुभी। शुभी माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। शुभी मेरे को ये चीज बताओ, जो साइन 18 डिग्री है राइट, तो आई कैन राइट दिस एज साइन 90 माइनस 72। हाँ जना? 18 को। यस सर। हाँ जी सर। अब मेरे को ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 72। ये कॉस 72 आ जाएगा, यानी कि यही मेरा साइन 18 डिग्री है और यही मेरा कॉस 72 डिग्री है, इन दोनों की वैल्यू ये है, तो इस तरीके से मेरे को कॉस 72 डिग्री की वैल्यू मिली। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस सर। गुड 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 गुड। ठीक है। अच्छा शुभी माइक ऑन करो। हाँ जी सर। शुभी मेरे को ये बताओ, साइन 18 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि कॉस 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है ये। हेलो शुभी, हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, लवण्या आप बताओ।
हेलो बाकियों को आवाज आ रही है? यस सर। ओके उनका यस सर आ रही है। नेटवर्क इशू आ रहा है। अनीश, अनीश भाई माइक ऑन कर। यस सर। अनीश मेरे को साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है, तो साइन कोस 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 18 का डबल एंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। नहीं बिल्कुल नहीं। यू सर 1 - 2 sin² 18 डबल एंगल लगाएंगे। बिल्कुल अनीश ध्यान से देख यार, डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो इसको लिखूंगा मैं cos 2 into 18 डिग्री, तो दिस विल बी cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा मेरा 1 - 2 sin² 18 डिग्री। आ जाना। यस सर। बात समझ? तो तू 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था? सर मैंने sin 36 का होता है। साइन 36, साइन 36 की भी अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो खुद सोच, अगर मेरे को साइन 36 की भी वैल्यू चाहिए मैं 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? डू यू थिंक साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 इनटू साइन 18 डिग्री? तेरे को लग रहा है तो बता। यस सर। अच्छा मेरे को ये चीज बता, साइन 2 इनटू 18 डिग्री की ये 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा? यस सर। साइन 2 थीटा क्या होता है बता जरा। 2 साइन है कॉस से, तो 2 साइन 18 कॉस 18 आ जाएगा। हाँ जाना। यस सर। तो ये कॉस 18 भी तो आएगा साथ में। यस बात समझ रहा है कहाँ गलत जा रहा है? हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इन चीजों का ध्यान दे प्लीज। ठीक अच्छा चलो, अब यहाँ पे अनीश यहाँ पे वैल्यू पुट करो साइन 18 डिग्री की। ठीक तो अपने को कॉस 36 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या बनेगा अपना? 1 - 2 क्या √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 बस। √5 - 1/4 जरा ये आया 1 - 2 × √5 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ गया। क्लियर है? यस सर। ये 2 पे कटा आ गया 8, तो दिस इज 1 - 8। ऊपर हमारा स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर, तो 5 + 1 - 2 √5। Yes, sir. Square plus b square minus 2ab. ठीक? Yes, sir. ये बना 1 - 6 - √5/8. ये 2 common. बिल्कुल, ये 3 ये 4 आ गया. So this is 1 - 3 - √5/4. LCM लिया 4 इधर. So this is 4 - 3 + √5/4. So this becomes 1 + √5/4. तो दिस इज cos 36 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक तो देखो अभी तक हमें क्या मिला, sin 18 डिग्री इज √5 - 1/4 एंड cos 36 डिग्री इज √5 + 1/4। आई होप ये चीज क्लियर है। सबको क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताना, कंफर्म करो प्लीज। क्लियर है सबको? यस सर। आपका माइक चल रहा है अभी? इश्विन, क्रिश, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। शुभी आपको क्लियर है? माइक ऑन चल रहा है अभी? ओके ओके। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या देखा कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी एंड कॉस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले ये 2 सिंपलेस्ट वैल्यू मैंने निकाली है क्योंकि ये याद करना बहुत इजी होता है। ठीक तो इनकेस अगर कभी एग्जाम में निकालना आ जाए तो इस तरीके से निकालना तुम्हें। ठीक अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इश्विन, लवण्या क्लियर है? शुभी, शौर्य, अर्शिया, राजवीर, क्रिश, यस क्लियर सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो अभी आगे। अच्छा अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू है इसको मैं cos 72 भी लिख सकता हूँ। ठीक कैसे लिख सकता हूँ? अनीश माइक ऑन करना प्लीज भाई। यस सर। देख इसको मैंने क्या किया, लिखा साइन 18 को लिखा मैंने 90 - 72। यस सर। तो ये बन जाएगा cos 72।
साइन 90 माइनस थीटा, वहां समझा? ये 90 माइनस थीटा एक्ट करेगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, तो जो साइन 18 डिग्री है वो कॉस 72 डिग्री भी होगा। यस सर, ठीक है। अच्छा ये चीज अब ध्यान से देखिए, इधर तो कॉस, इसको 36 को लिखा 90 माइनस 54, आ गया ना? यस सर। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 54। तो जो मेरा कॉस 36 है वही मेरा साइन 54 डिग्री भी है, और जो साइन 18 डिग्री है वही मेरा कॉस 72 डिग्री भी है। वहां समझा? तो चारों की वैल्यू पता चल गई मेरे को, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट आया प्लीज बताओ, श्योर है? क्लियर है। ओके ओके ओके। अर्पित क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा इशिका? यस सर। इशिका मेरे को ये बताओ कि कॉस साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? सेम चीज करके साइन, क्या क्या क्या, 5x is equal to 90 करके वहां पे साइन कर देंगे। साइन मैं समझा नहीं, मैं दोबारा बताओ, दोबारा बताओ क्या करूंगा? 5x is equal to 90 लिखकर, हाँ जी, उसको 2x plus 3x is equal to 90। अच्छा आप बोल रहे हो स्टार्टिंग में जो हमने किया यहीं पे इस देंगे? हाँ, यहाँ पे cos cos लिखा तो साइन। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, अगेन cos square plus sin square। बिल्कुल बिल्कुल, साइन 18 डिग्री से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। इशिका देखो, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है? One. मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री है वो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। समझे? तो देखो क्या जाएगी, 1 माइनस, ठीक। अच्छा साइन 18 डिग्री बताओ जरा क्या है? रूट फाइव माइनस 1/4, रूट फाइव माइनस 1/4, ये आ गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। क्लियर है? यस सर। एलसीएम इसका स्क्वायर करना, तो ये चला जाएगा 1 माइनस, ऊपर क्या आ गया आपका, दैट इज 5 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। तो दिस इज 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 16, 2 कटा तो ये 3, ये 8, सो दिस इज 1 माइनस 3 माइनस रूट 5 बाय 8, हाँ है ना? एलसीएम लिया, 8 इधर आ गया, तो 8 माइनस 3 प्लस रूट 5 बाय 8, हाँ है ना? तो ये 5 प्लस रूट 5 बाय 8, तो दैट इज हमारा ये आ गया कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, तो दिस इज कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक। अच्छा इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5, और नीचे 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से कॉस 18 डिग्री की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। बात समझ आई? यस। पक्का क्लियर हुआ? 10 * 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कैसे किया? सिर्फ इसलिए किया ताकि नीचे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और ये 4 बाहर आ जाए अंडर रूट के, इसलिए किया था। हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर हुआ कॉस 18 डिग्री कैसे निकाला, कंफर्म करो प्लीज। यस। इश्विन, लवण्या, नमन, प्रिंस, प्रणव, राजवीर, साहेब। यस सर। यस सर। ठीक 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 है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज कि cos 36 डिग्री की वैल्यू पता है, तो sin 36 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ जी। वन माइनस साइन करके सेम मेथड कर सकते हो? यस सर। चलो ठीक 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 है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, sin 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, ये दो मेन वैल्यूज है जो हमने निकालने की कोशिश की, बाकी सब इनसे निकल आती है हमारी, ठीक है। अच्छा अब जो आगे हमें देखना है, ठीक, वो है हमारा tan 7.5 डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक, और ये मेजरली कवर अप होगा ही होगा, ठीक। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि tan 7.5 डिग्री की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो चलो हाफ एंगल ही है, लेकिन वो कब कब कैसे कैसे करेंगे उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो
देखो हमें क्या वैल्यू निकालनी है, टैन 7.5 डिग्री और यू नो कोट 7.5 डिग्री, एक ही बात है, रेसिप्रोकल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। ये वैल्यू निकालनी है। अब ये किसका हाफ एंगल होता है? 15। और 15 किसका हाफ एंगल होता है? 30। तो हम क्या करेंगे, दो बार हाफ एंगल करेंगे, पहले 30 का हाफ एंगल से 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, फिर 15 डिग्री का वैल्यू का फिर हाफ एंगल करके 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आई? ठीक, एक सेकंड रुको जरा। शुभी माइक चल रहा है आपका? ओके ओके ओके। नमन माइक चल रहा है? ओके। इश्विन माइक चल रहा है? अरे बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है। अर्शिया गुलाटी माइक चल रहा है? यस सर। अच्छा अर्शिया माइक ऑन रखना प्लीज, माइक ऑफ रख प्लीज। हाँ जी। अच्छा अर्शिया देखो जरा, अब सबसे पहले हमने क्या किया, tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू, क्या इसको लिख सकता हूं मैं, 2 tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, ये कर सकता हूं? यस सर। इसको लिखा tan 2 into 15 डिग्री। हाँ जी, किसी को डाउट है तो इसको प्लीज पूछो। ये tan का डबल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, तो दिस इज बेसिकली tan 2 थीटा दैट इज नथिंग बट 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक। और थीटा को 15 डिग्री रखा तो यहाँ पे चला जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, और यहाँ पे चला जाएगा 15 डिग्री, तो ये आ गया 2 tan 15 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। बात समझ आई? यस सर। अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, tan 15 डिग्री की वैल्यू इधर से थोड़ी कॉम्प्लेक्स निकलेगी, कॉम्प्लेक्स तरीके से निकलेगी। हम एक काम कर सकते हैं, tan 15 डिग्री की वैल्यू 45 माइनस 30 से भी निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। तो वो वाली यूज करते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा, वो बाद में लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज tan 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू tan 45 माइनस 30। अब मेरे को ये बताओ अर्शिया की tan 45 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? मैंने डायरेक्ट बताया हुआ है, याद करने के लिए मैंने बोला हुआ है ये। यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नो नो नो, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, आपने उल्टा बोला। ओके ठीक है। अच्छा अगर tan 45 प्लस थीटा हो तो 1 प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा। प्रणव क्या बोल रहा है? साइन उल्टा हो जाता है। साइन उल्टा हो जाता है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, जिन्होंने अपनी फॉर्मूला शीट में इन दोनों फॉर्मूलास को इंक्लूड नहीं किया हो वो प्लीज कर लो, इन दोनों फॉर्मूलास को भी इंक्लूड करना तुम्हें अपनी फॉर्मूला शीट में, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो ये चीज क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस tan 30 ओवर 1 प्लस tan 30, so that would be 1 minus 1 by root 3 over 1 plus 1 by root 3, ठीक। LCM लेने के बाद ये root 3 minus 1 by root 3 plus 1, so that is your tan 15 degree। इसमें कोई doubt? No sir। सबको clear है? ठीक, अर्शिया, एशिका, अर्पित? Yes। Yes। ठीक है ठीक है ठीक है, तो tan 15 degree की value मिल गई, ठीक है। ध्यान से देखो, अर्शिया? Yes sir। अर्शिया देखो जरा सर, थोड़ा ऊपर करना सर, और बस बस ठीक हो गया? यस सर हो गया। ओके
ओके ठीक है। अच्छा आप देखो जरा, अब मैंने tan 15 डिग्री के ऊपर फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया अर्शिया, तो क्या जाएगा जी, 2 tan 7.5 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5, हाँ जाना? यस सर। दैट वुड बी इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, हाँ जाना? यस सर। पक्का कोई डाउट इसमें? नो सर। बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? शौर्य, साहेब, राजवीर, प्रिंस, प्रणव, नमन, कोई डाउट अभी तक? नो सर। सूर्यांश? नो सर। सूर्यांश क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज कि क्या होगा, ठीक, अब क्या होगा कि हम 10 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, हमें इस चीज की वैल्यू चाहिए, इस चीज की वैल्यू चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको x अज्यूम कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, अर्शिया ध्यान से देखो, ये बन जाएगा 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, हाँ जाना? यस सर। वेयर x रिप्रेजेंट्स tan 7.5 डिग्री, ठीक है? सो दैट इज रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब अर्शिया हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए? अंडर रूट 3 प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल, रूट 3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा जी, ठीक, क्या बन जाएगा जी, दैट इज 3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ जाना? यस सर। और वो क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाय 4 प्लस 2 रूट 3, हाँ जाना? यस सर। तो 2 2 कटा तो क्या बन गया, 1 बाय 2 प्लस रूट 3, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मेरा दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो मेरा क्या बन गया, दैट इज 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस रूट 3, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3 इनटू x, दैट इज इक्वल टू ये इधर, तो दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आके आपका हो गया x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, ये पूरी इक्वेशन बन गई, हाँ जाना? यस सर। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मेरी 10 7.5 डिग्री की वैल्यू होगी, क्लियर हुआ ये? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है अभी तक? ठीक, ये आज जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं साइन 18 डिग्री एंड ये वाला क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये अगर तुम्हारे स्कूल में आएंगे तो 6-6 मार्क्स में आते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, ठीक है, तो प्लीज इनको ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक, तो देखो जरा क्या जाएगा, माइनस बी बोलो जरा अर्शिया, माइनस 2 प्लस रूट 3 माइनस बी, बिल्कुल सही, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए क्या है, 1 इंटू सी, सी क्या है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट इज 2, बात समझ आई? यस। अच्छा आप ध्यान से देखो क्या बनेगा, तो दिस विल बी योर माइनस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे ये पहले 2 का स्क्वायर क्या आया, 4, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 3, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, दैट इज 4 रूट 3, क्लियर हुआ? यस सर। और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, हाँ जाना? प्लस 4, यस सर। डिवाइडेड बाय 2, अभी तक ये बन, क्लियर है अर्शिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो अभी माइक किसका चल रहा है, इश्विन माइक चल रहा है आपका? ओके ओके। शुभी, प्रणव? यस सर। अच्छा इश्विन चल रहा है माइक, गुड गुड गुड। अच्छा इश्विन ध्यान से देखो आगे क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक, ध्यान से देखना, कैन आई टेक दिस 4 एंड दिस 4 एज कॉमन? यस सर। राजवीर को डाउट है? हेलो।
हेलो राजवीर, कोई डाउट है? ओके ओके ठीक है. अच्छा इश्विन, ये फोर कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर जब आएगा तो क्या बन जाएगा आपका? टू. तो ये आ गया ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, और अंदर क्या बचेगा? अंदर देखो, अंदर ये सारी की सारी ब्रैकेट एज इट इज, तो दैट इज फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री, और यहां से फोर कॉमन लेने के बाद बचेगा प्लस वन. हाँ जाना. अच्छा ये चीज माइनस ट्वाइस ऑफ टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू एज इट इज, और ये टू ये टू ये टू कटा, तो आपका क्या बना? माइनस ऑफ टू प्लस रूट थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आपका बन गया सेवन प्लस वन एट, एट प्लस फोर रूट थ्री. हाँ जाना. ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है. अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि जो रूट सिक्स प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, ये बताओ. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी व्हिच इज सिक्स प्लस टू प्लस रूट ट्वेल्व. पक्का? यस सर. अच्छा रूट ट्वेल्व को मैं लिख सकता हूँ टू रूट थ्री? यस सर. ये बन जाएगा एट प्लस 2 into 2 root 3, so that is nothing but 8 plus 4 root 3. हाँ या ना? Yes sir. ऐसे देखो, ये क्या दोनों चीजें same हैं? No sir. Right? वो ब्रैक, वो under root में. Under root में, बिल्कुल same है ना? Yes sir. I can write this 8 plus 4 root 3 as root 6 plus root 2 का whole square. हाँ या ना? Yes sir. वाली value इधर put की, तो क्या बन जाएगा ये? ये इधर गया, so that is minus of 2 plus root 3. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट सिक्स प्लस रूट टू का होल स्क्वायर. हाँ जाना. अंडर रूट ऑफ स्क्वायर हट जाएगा, रूट सिक्स और रूट टू. तो ये आपका बना माइनस टू प्लस रूट थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट तो हट गया, तो ये आपका बचा रूट सिक्स प्लस रूट टू. हाँ जाना. ये आई हमारी वैल्यू किसकी? टेन 7.5 डिग्री. हाँ जाना. टेन सेवन हाफ डिग्री की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस लेके एक माइनस लेके. ठीक, तो प्लस माइनस लेके क्या आ रहा है? माइनस टू प्लस रूट थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स प्लस रूट टू. ठीक, और प्लस लेके आपका आ रहा है माइनस टू प्लस रूट थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ सिक्स प्लस रूट टू. हाँ जाना. Yes, sir. तो ये बताओ, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी? Yes, sir. सेवन एंड हाफ डिग्री नेगेटिव हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता. तो ये गया, तो यहाँ से ये मिली, दैट इज टेन 7.5 डिग्री इज इक्वल टू. अब ध्यान से देखना, मैं सिस्टमैटिकली लिख रहा हूँ इसको. सबसे पहले रूट टू, फिर माइनस रूट थ्री, फिर माइनस टू, फिर प्लस रूट सिक्स. तो ये वैल्यू बनी मेरी टेन 7.5 डिग्री की. आई होप ये चीज क्लियर हुई. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज, कोई स्टेप रिपीट करना तो प्लीज बताओ. ध्यान से देखो, इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. हमने क्या किया, दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से. हमने क्या किया, सबसे पहले हमने tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाली. tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है. अब 15 डिग्री के ऊपर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, तो वो आ गया ट्वाइस ऑफ tan 7.5 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री, दैट इज इक्वल टू tan 15 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री प्लस 1. फिर इसके बाद इसका न्यूमरेटर को रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू आ गई 1 बाय 2 रूट 3. तो दैट इज, उसके बाद हमने tan 7.5 डिग्री को x ले लिया, तो ये बन गया 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर. तो यहां से ये पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, दैट इज tan 7.5 डिग्री. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके हमें tan 7.5 डिग्री की वैल्यू मिलेगी. इसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक का फॉर्मुला लगाया, सिंप्लीफाई करके हमारी ये चीज बन गई. ठीक, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा दो वैल्यूज आ गई, एक आई टोटली नेगेटिव तो जो हो नहीं सकता, एक आई पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमारी आंसर आ गई. तो दिस इज आर tan 7.5 डिग्री. हाँ जी इश्विन, क्लियर है अभी तक? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा अर्पित, माइक चल रहा है? यस सर. अर्पित, यस सर. डिस्टरबेंस आ रही है, माइक रहने दे, रहने दे, डिस्टरबेंस आ रही है. अनीश, माइक चल रहा है? यस सर. डाउट अभी तक? यस सर. इसी चीज का रेसिप्रोकल, तो दैट वुड बी 1 बाय रूट सिक्स प्लस रूट थ्री, सॉरी रूट सिक्स प्लस रूट टू,
ये पॉजिटिव वाली चीज पहले लिख रहा हूँ। यस सर। और माइनस कॉमन, माइनस कॉमन तो 2 प्लस रूट 3 ये चीज थी। यस सर। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 समझा। यस सर। एडेड बाय ये चीज, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जाना। यस सर। और ऊपर चारों चीजें पॉजिटिव आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा तेरा रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझा। यस सर। इसका स्क्वायर करके आ जाएगा, इसका स्क्वायर सर आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 रूट 6 2 रूट 12 माइनस इसका स्क्वायर करके आएगा सर 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 4 रूट 3 और 4 रूट 3 एक्चुअली में 2 रूट 12 होता है। ओके सर। है ना ठीक। अच्छा आप ध्यान से देख, ये इसके साथ कटेगा क्योंकि नेगेटिव है बीच में। यस सर। ये क्या बचा 8 और ये क्या बचा 7, तो परफेक्ट परफेक्ट। तो cot 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या है जो न्यूमरेटर में, दैट्स इट, सारे पॉजिटिव। तो रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 को लिखा रूट 4, लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हमारी बन गई cot 7.5 डिग्री की वैल्यू, चारों के चारों पॉजिटिव, 2 3 4 6 का अंडर रूट का सम। हाँ जी प्लीज क्लियर कंफर्म करो, क्लियर हुआ अर्शिया अर्पित ईश। यस सर। कन्या नमन प्रिंस प्रणव। यस सर। राजवीर साहेब शोरेस। हां जी सर। ठीक। अच्छा ध्यान से देखो, लेक्चर में मैंने सिर्फ ये दो क्वेश्चन कराए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंथी काम होता है। आज का लेक्चर प्लीज दोबारा ध्यान से देखना, नोट्स दोबारा ध्यान से चेक करना। आज का होमवर्क जो रहेगा वो तुम्हारा इन्हीं दोनों वैल्यूज के रिलेटेड रहेगा एंड विल बी क्लोजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करूंगा, देन वी विल क्लोज द चैप्टर टुमारो। कल चैप्टर हम ये खत्म करके परसों टेस्ट लेंगे एंड देन सैटरडे को एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चलो चलो, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सर। वेलकम। टेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर वो पुणे से वो सब जो पोलो आर्गुमेंट वाले से कर लिए थे वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर की। कोई बात नहीं, मैं उसका होमवर्क भेज देता हूं। तो नहीं सर, पोलो फॉर्म नहीं समझ आ रही सर। थोड़ा पार्ट ये सारा का सारा मेरे जो दो वीडियोस है पोलो फॉर्म। एक काम करते हैं पहले अभी फ्राइडे को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेस्ट है उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक। जैसे वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं समझा दूंगा। ओके सर। सर वो पीएमआई का सर। ठीक है, पीएमआई का कब है तेरा? तब वो 8th को। 8th को। ओके, संडे को समझा दूंगा। ओके सर। ठीक है सर। एक से वो सर कह रहे थे कि वो अगले मंथ से 10th या 11th को मैथ्स का पेपर वो स्टार्ट हो जाएंगे हाफ ईयरली। ओके, अगले मंथ कैसे हो सकते हैं? तो जून जुलाई की छुट्टियां नहीं होंगी क्या? नहीं सर, वो पहले उन्होंने कंडक्ट कर लिया, कहते 10 दिन की छुट्टियां मिलेंगी इस बारी। क्यों? तो होगी सही है, वो दिल्ली से ऑर्डर आया सीबीएसई का। ओके ओके, नहीं वही है सर कुछ तो प्लान था। ओके कोई बात नहीं, अभी हाफ ईयरली वैसे कैसे हो सकता है 2-3 मंथ्स के अंदर। कोई बात नहीं, अभी टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। हम अभी थोड़े स्पीड से और अच्छे रेट पे सिलेबस कवर अप करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। हां जी सर, मुझे पिछले ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट का पीडीएफ सेंड कर दोगे? हां जी हां जी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी को सर, मेरे को टेस्ट में आई थिंक प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ रही हैं मेरे को, लाइक मैंने टेस्ट देखा, मेरे को समझ नहीं आ रही है इसके ऊपर।